रानी जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर सुनील कारकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले संजय, डॉक्टर संजय आपसे सवाल। आपका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें आप ये कहते हुए नजर आए थे कि 3 घंटे की मूवी देखने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं और एक झाड़ू लगाने वाला, एक मूंगफली बेचने वाला उस पन्नी को उठाता है तो उस रैपर में क्या लिखा होता है, उस रैपर में वो ग्रंथ, वो साहित्य, वो साइंस जो लोग हम पढ़ते ही नहीं है, क्या लगता है संजय जी, वो लोग पढ़ते नहीं है या वो जागरूकता खत्म हो गई या लोगों को बताना जो है वो महफूज नहीं रहा, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरिभूमि की पूरी फैमिली है, INH परिवार को साधुवाद देता हूं, क्योंकि यू हैव कॉल्ड ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस पोडियम। ब्रजेंद्र जी आ गए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत पुनः करता हूं। अभी हम कुछ ही समय पहले मिले थे, 2-3 दिन पहले। हेल्थ केयर को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का एक नया प्रयोग मैं पिछले 32 या 35 साल से कर रहा हूं। मैं इस फील्ड में 42 ईयर्स से हूं, कैंसर सर्जन हूं और सतना में मुझे 32 साल हो गए। एंड आई वॉज ए इंस्टीट्यूशनल मैन, तो हमेशा उस नाव में मैं बैठा हूं जिस नाव को चलाने वाले एक इंडस्ट्रियल हाउस है, तो जहां पे मेरा ध्येय था कि हेल्थ केयर को हम कैसे अच्छी ले आए। 32 साल पहले विंध्य प्रदेश में सतना में एक इतना बड़ा अस्पताल खोलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, और यहां पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो उस पीढ़ी के उस बहाव को उन्होंने देखा है, तो मैं समझता हूं कि जिला अस्पताल प्रवीण और डॉक्टर सुनील हम लोग सब कंटेम्प्रेरी हैं, तो 2 सेवाएं चली पैरेलली, एक जिला अस्पताल की और एक हमारे अस्पताल की। ये पूरे रीजन को, 9 जिलों को जिसकी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पन्ना, इंक्लूडिंग छतरपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर एंड रीवा, बांदा करबी और बाकी भी, मतलब सीधी तो मान लीजिए क्योंकि सीधी वी हैड दैट यूनिट, तो एक और मेरे जीवन का जो 65 साल का जो मेरा है उसमें करीब करीब मैंने आधा समय यहां दिया है और मेरा प्राइम टाइम था ये। और मैं जब इंग्लैंड से और अमेरिका से ट्रेन होके आया तो मुझे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन 2 लोगों ने दिया, और वो था नानाजी देशमुख, उनके साथ मैंने करीबी से बहुत काम किया, और कुछ कंसेप्ट जो दादी माँ का बटुआ, हम लोगों ने 21 मेडिकामेंट्स चालू करे थे 500 गांव में, जिसमें कि एक सेफ्टी ब्लेड होता था, एक सारसूत्र मेडिकेटेड ऑइंटमेंट रिलेटेड, या उसको हल्दी से बांधा हुआ अम्लाइकल कॉर्ड जो गोबर लगा देते थे। देखिए, क्योंकि अब समय बदल गया तो 32 साल पहले का आप कोई सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि प्राचीन कथाओं को और ग्रंथों को, जिसकी बात संवाद को इसलिए जोड़ रहा हूं जो आपने पूछा मुझसे, हमारे यहां पे अवस्थी जी आपको मैं बताना चाहता हूं कि ग्रंथों का जो रियल डिग्रेडमेंट और इरोजन किया है वो बहुत गंभीर विषय है। हमारी हेल्थ केयर में हमको सब लोग भगवान का दर्जा जो भी बोलते हैं वो ठीक है, एक बात, मतलब मान सम्मान डॉक्टर्स को इस पीढ़ी ने और पिछली पीढ़ियों ने और आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि वो देते हैं और देते रहेंगे। कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो धर्म के प्रति जो चीज हमारी यंगर जनरेशन में आ रही, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट पिछले 32 साल से किया है कि मैं हर मरीज से बात करता हूं, और बड़ी बड़ी सर्जरी करने का मेरा शौक, और मैं बहुत डेयरिंग सर्जन माना जाता हूं। इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये बोल दे कि डॉक्टर महेश्वरी ये सर्जरी नहीं कर सकते। मैंने ब्रेन सर्जरी से लेके इसोफेजियल सर्जरी, लंग सर्जरी, पैंक्रियाटिक, मैं 21 जनवरी 1992 को जब मैं आया
तो 8 घंटे की पैनक्रेटिक सर्जरी मैंने 22 जनवरी को करी थी, पैनक्रेटिक हेड ट्यूमर की। तो सब लोग मुझे ये बोलते थे, डॉक्टर साहब आप यहां ज्यादा रह नहीं पाएंगे। ये विंध्य प्रदेश उस समय बहुत मतलब विषमताओं का और काला पानी माना जाता था हेल्थ केयर के हिसाब से। तो धर्म को और ग्रंथों को मैंने जो देवेंद्र अपने आचार्य जी हैं आपके गुजरात के गवर्नर बड़े ज्ञानी हैं, तो उनके सामने बॉम्बे में जब ये संवाद हुआ तो मतलब बहुत फेमस मंत्रालय के बगल में जो हॉल है यशवंतराव चौहान हॉल, उसमें मैंने ये ऑरेशन दिया था। 5 मिनट का था वो, 5 या 7 मिनट का था। तो उसमें मैंने ये बोला कि अगर आप हमारे ग्रंथों को देखना चाहते हैं तो कहाँ मिलेंगे। रात के 9 से 12 का जो शो होता है वो जब खत्म हो जाए तो स्वीपर जब झाड़ू लगाएगा तो मूंगफली के जो वो रहते हैं पन्नी जो जिसमें भर के देते हैं पुंगी, उस पुंगी को खोलेंगे तो आपको पूरी गीता मिल जाएगी, रामायण मिल जाएगी। और उसका व्यंग्यात्मक रूप नहीं था, ये रियली है। हमारा जो यंगर जनरेशन है वो भूल गया है। और उसके साथ साथ मैं बहुत दुखी मन से आज इस पोडियम से बोल रहा हूँ, सभी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जो बात जयराम रमेश ने बोली बहुत शर्मनाक बात थी। इट इज एन ओपन थिंग विच आई एम टेलिंग यू, ही कैनॉट से एनीथिंग अबाउट गीता प्रेस बिकॉज गीता प्रेस ने 99 करोड़ लोगों तक धर्म और ग्रंथ को पहुंचाया है और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया है। उनका 2 रुपए की अगर आपकी रामायण आपको मिल रही है, 2 रुपए की गीता आपको मिल रही है, जिसमें कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, दे डोंट टेक। एंड फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं वन ऑफ द ट्रस्टी हूं गीता प्रेस का, खेमका जी जो हैं वो मेरे रिलेटिव हैं। तो जब ये बात चल रही थी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक अगर हम जाति और चुनाव और ये सब चीजें तो अलग है, हम तो दूर हैं उससे, लेकिन अगर समाज में हम संदेश इस तरह से देंगे कि हमारे ग्रंथ ही ऐसे हैं, हमारे मैंने तो निराकार रूप में देखा है उसको। और उसमें एक 2 लाइन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब यशोदा ने पूछा कृष्ण को कि मुंह खोल के दिखाओ, तो उसने बोला कि मां मैंने अगर मुंह खोला तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम देख नहीं पाओगी क्योंकि मैं विराट रूप उसमें दिखाऊंगा और तुमको ये लगेगा ये मेरा बालक मेरा कान्हा नहीं है। तो तब 2 लाइन कवि ने बोली कि ना मैं रंग हूं ना रूप हूं ना प्रायण किसी आकार का, जो दिखता वो मैं नहीं। फिर प्रश्न क्या अधिकार का, क्यों निज को संकुचित करूं जो रूप है विस्तार का, जो दिखता वो मैं नहीं। फिर प्रश्न क्या अधिकार का। तो उसी तरह से जब डायबिटीज मेलाइटिस किसी को होती है, तो अभी मैं ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूं कि मैं डायबिटीज को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़ रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर हम डायबिटीज से जोड़ें तो आप ये इसको सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही मैंने पेशेंट को बोला कि आपको डायबिटीज है, तो रावण रूपी वो पेशेंट तुरंत मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाता है। बोलता है कि मैं तो शक्कर भी नहीं लूंगा साहब, मैं तो ये नहीं करूंगा, मेरी बीबी अचार भी देगी तो ना खाऊंगा, मैं तेल नहीं लगाऊंगा, मैं घी नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर्स का रोल इस सोसाइटी में हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे वो हमारे ऊपर कितने ही अत्याचार करें, हमारे ऊपर जूते मारें, ये करें वो करें, सब सहा है हमने। और बड़े वीर और शूरवीर जो अपने आप को मानते हैं कि हमने आज डॉक्टर की सुताई कर दी, दैट इज द वर्ड दे यूज एंड दैट इज द पिटी विच आई फील सोसाइटी में डिग्रेडेशन। अगर भगवान के भी रूप को हम राम के रूप को और इस तरह से डिग्रेड करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन को मैं क्या बताऊंगा कि मेरे राम ऐसे नहीं थे, मेरा आराध्य ऐसा नहीं है। और जो ये पिक्चर में जो चल रहा है अभी नाटक, ये टपोरी लैंग्वेजेस, दिस इज ऑल बैड, इट इज नॉट गोइंग टू बी। मतलब एक बहुत अच्छा संवाद था माननीय मंत्री जी से, मैं मतलब आपका अटेंशन इसलिए चाहूंगा कि किसी ने बोला कि अगर गांधी जी दांडी मार्च में डिस्को डांस करने लग जाएं और तिरंगा झंडा लहराने लग जाएं, उसको आप आज की आधुनिक जनता के लिए आपने प्रेजेंटेशन अगर ऐसा देने लग जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज द रीजन व्हाई जितने भी बड़े बड़े आरएसएस के, चिन्मय मिशन के, गायत्री परिवार के, आप देख लीजिए सबके जो यूनिट हेड्स जिन्होंने चालू किया था, दे वर डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स।
जो आप बाहरी जगत को जानते हैं हम अंदर से जानते हैं। मैं इंटेस्टाइन को निकाल के अंदर उसको धकेलना जानता हूं और उसको सीना जानता हूं और उसके बाद उसका कैंसर निकाल के उसको ठीक करना जानता हूं। तो इसलिए हम आपसे बहुत ज्यादा आशा भी नहीं करते, लेकिन आप उतना सम्मान हमारे मेडिकल प्रोफेशन को दें, ये मैं आपके इस पोडियम से, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज तो एंकर ही अपनी बात बोलता रहता है। तो मैंने मौका लगा तो एक लेडी एंकर है तो मैंने कहा चलो मैं अपना थोड़ा सा निभा देता हूं, लेकिन दैट इज द वे आई स्टार्टेड। एंड मैं अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संवाद लेके आ रहा हूं जिसमें कि मैं भगवान को, हमारे धर्म को और बीमारियों को जोड़ रहा हूं। बिल्कुल, यानी धर्म को जोड़ता हुआ आपने एक आपने ये भी, यानी कुल मिलाकर हम देखा जाए तो एविडेंस जो है वो आज नहीं है, यानी जो पुरानी पद्धति या पुरानी वैदिक पद्धति की अगर हम बात करते हैं, चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, वो आज एविडेंस नहीं है। और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि आने वाले समय में उन युवाओं को जो डॉक्टर्स बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं उनके पास वो एविडेंस, वो पद्धति जरूर होनी चाहिए। ईश्वर को तो हमने नहीं देखा, महसूस जरूर किया है, लेकिन हम ईश्वर को साक्षात देखते हैं डॉक्टर्स के रूप में। हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी भी हैं। डॉक्टर साहब, एक वाक्य मैं आपको बताना चाहती हूं, वो मैंने रियल देखा कि मैं जा रही थी रास्ते में और अचानक मैंने देखा रोड पर एक किनारे एक पन्नी बेचने वाला था या जो भी था, वो जो रात में हमारा खाना बचा हुआ होता है हम उसे फेंक देते हैं और ये सोच के कि शायद जो जानवर है वो खा लेंगे उसको, लेकिन वो व्यक्ति उसको खा रहा था। लिटरली उस वक्त मेरी, मतलब मैं अपने आप को सिहर गई देखकर कि ये क्या है, ये भी है क्या। डॉक्टर सुनील, आप पोषण के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, कुपोषण के लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज इस देश में कई जगह ऐसी भी है, कुछ लोगों के पास तो इतना है कि वो फेंक रहा है लेकिन कुछ लोगों के पास तो वो है नहीं, तो पोषण कैसे बच्चों में आएगा? सबसे पहले मैं हरी भूमि की जो टीम है और उसके जितने जुड़े हुए सदस्य हैं, और मैं एक कोने कचरे में जिला चिकित्सालय सतनागे में बैठा हूं और उन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, और उसके बाद मैं खड़े होकर सबको नमस्कार करता हूं। जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए शर्मा जी हैं, थॉमस सर हैं, विजय सिंह सर हैं, ताम्रकाश जी हैं और कल्पना मैडम है, सिद्धार्थ, व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत लोगों को जानता हूं, तो ऐश्वरी जी जो तो हमारे विंग के ही लोग हैं, और यूनिवर्सिटी में जो भी लेक्चरर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ सोसाइटी के लोग हैं, अब मैं सबको सबसे पहले अपना प्रणाम और नमस्कार करता हूं। कहने के लिए मेरे पास बहुत शब्द हैं पर ज्यादा मैं समय आपका नहीं लूंगा, और मैं भी चूंकि सिविल सर्जन सर छुट्टी पे है तो मुझे हॉस्पिटल का काम भी, और हरिभूम ने कहा तो इस वजह से एक अपने एक शॉर्ट शब्दों में आप लोगों को कोशिश करूंगा आपके दिल को छूने के लिए। मैंने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन नाना जी देशमुख को देखा है, उसकी टीम को देखा है, उनके साथ मैंने काम किया है, और सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की जो टीम है उसके साथ मैंने काम किया है। मैं अपना बयान नहीं कर रहा और मैं बहुत ज्यादा अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तो उस एरिया में काम किया है जो सतना जिले का सबसे उपेक्षित एरिया है, मजिगवा ब्लॉक, जहां पीने के पानी की प्रॉब्लम, जहां लोग 5 किलोमीटर दूर पानी पीने जाते हैं, हेल्थ की फैसिलिटी तो आप दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते, तो वहां पे कैसा क्या हुआ, लेकिन एंटायर चेंजेज आया है। नाना जी, मैं एक डॉक्टर होने, मैंने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से किया है, जब मैडम को लेके आया था, मैडम मेरी कलकत्ता की रहने वाली थी, कहां जंगल में तुम आ गए हो नौकरी करने के लिए, तो धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को सेटल होने की कोशिश की कि भाई यहां पे कोई तो भगवान राम इतने साथ रहे हैं, तो हम इंसान हैं, यहां पे भी रहने वाले तो इंसान हैं, हमारी जरूरत तो इसी एरिया के लिए है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में, और आप अच्छा काम कीजिए, ईश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, आपको आप पढ़े हैं तो सोसाइटी के लिए पढ़े हैं ना, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए पढ़े हैं ना, ऐसा सोच के भाव, और ये चीज मुझे दो लोगों से मिल गई थी, कैसा क्या है, बहुत बड़ा